हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों। एचईटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स यानी वृत्तों से क्षेत्रफल की चैप्टर। तो फॉर्मूले मैंने लिख दिए थे, है ना? तो अब जिस जिसने इसको सॉल्व कर लिया है, जल्दी से आप अपना आंसर शेयर करेंगे चैट के माध्यम से या हैंड रेज करके, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं। तो ठीक है बच्चों, देखिए एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं इसको कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, जो दिया है पहले उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक तो रेडियस है, ठीक है? एक रेडियस है हमारे पास जो गिवन है 5 मीटर, 5 मीटर रेडियस है ना? और क्या दिया है, 5 मीटर रेडियस है। तो फर्स्ट पार्ट में थीटा हमें पता है ना, तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सेक्टर कितना है, इसको हम आर से डिनोट कर देंगे। ये है 5 मीटर और थीटा कितना है, ये है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक वर्गाकार का पार्क है, ठीक है? एक स्क्वायर शेप का पार्क है। देखिए बोला गया है ना यहाँ पे, ये जो पार्क है, ये मैदान है, ये क्या है, वर्गाकार वाला मैदान है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे थीटा कितना लिखा है, 90 डिग्री। ये चीज सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों डिटेल में। अब एरिया दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय हॉर्स, भाई घोड़े द्वारा जितना क्षेत्रफल चरा जा सकता है, या फिर आप हिंदी में लिखेंगे मैदान का उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है, ये लिख लीजिए आप, ठीक है? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चर सकता है किसके बराबर होगा, ये होगा एरिया ऑफ सेक्टर, कितना है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है थीटा कितना है यहाँ पे? तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14, पाई को हमने 3.14 यूज करना है और आर है 5। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये भाई 9 चौक 36 होता है ना, तो 0 से 0 काट के 1/4 यहाँ पे आ गया, 3.14 इंटू कांच का वर्ग 25 होता है। क्लियर है? अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.14 3.14 और 25 की गुणा कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, 10 हासिल, 25 एकम 25 और 10 35 और 3 हासिल। अब 25 75 और 3 78, तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन 4 है। अब इसको भाग कर लीजिए 4 से, 78.50 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 3 बच गया, 8 उतार लिया, 4 9 36 36 आ गया। तो यहाँ पे उतार लिया डेसिमल के बाद, एक 5 हमने उतार लिया, यहाँ भी डेसिमल आ जाएगा, तो 4 × 6 24 कितना बच गया, 1 बच गया, यहाँ पे 0 उतार लिया, 4 × 8 2 बच गया और ये चलता रहेगा। तो हम इसको राउंड फिगर में 19.62 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। इतना क्या है क्षेत्रफल जो कि हॉर्स चर सकता है, कितने में, 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ, ठीक है? तो ग्राउंड का ये हिस्सा है मैदान का जो घोड़ा चर सकता है 5 मीटर लंबी रस्सी के साथ। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम निकालेंगे वो क्षेत्रफल जो घोड़ा चर सकता है 10 मीटर लंबी की रस्सी के साथ, ठीक है? सब कुछ सेम रहेगा प्रोसेस, बस आर की वैल्यू वहां पे चेंज हो जाएगी, 5 की जगह 10 आ जाएगी, दैट्स इट, ठीक है? पहले इसको नोट डाउन कीजिए।
तो बच्चों कर लिया है ये नोट डाउन, आगे करते हैं इसको। अब लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज विद 10 मीटर रो। ठीक है, 10 मीटर लंबी रस्सी के साथ घोड़ा जो चर सकता है। ठीक है, कितना होगा ये हो जाएगा बच्चों थीटा बाय 360 ये इनटू पाई और आर यहाँ पे 10 आएगा है ना, इसका स्क्वायर। थीटा कितना है 90 है, 90 बटे 360 इनटू 3.14 इनटू 100 आ गया, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 4 आ जाएगा। और ये देखिए 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 बाय 4 आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, इसको कितना आएगा 4 से 4 सते 28, 4 सते 28 3 बच गया और 4 हमने उतार लिया, 34 आ गया, 4 8 32 और 2 बच गया फिर और 0 हम उतार लेंगे और 4 5 मीटर। तो इतना क्षेत्रफल है जहां पे घोड़ा चर सकता है जब उसकी रस्सी 10 मीटर लंबी होगी। क्लियर है बच्चों? अब देखिए हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। हमें निकालना है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई। तो चलिए ये कैसे निकालेंगे, इंक्रीज्ड एरिया वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, भाई जहां घोड़ा चर सकता है वो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा। भाई जब घोड़े की रस्सी 10 मीटर लंबी थी, ठीक है, तब वो ज्यादा क्षेत्रफल चर सकता था और जब 5 मीटर लंबी रस्सी थी तब उसका क्षेत्रफल कम था। तो माइनस कर देंगे इसको, आंसर आपका आ जाएगा, माइनस करना है बस 78.50 एंड 19.60। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 2 8 आ गया और 14 माइनस 6 8 आ गया और फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 17 माइनस 9 8 आ जाएगा और ये 6 माइनस 1 5 तो ये आ गया 58.88 मीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये सबने कर लिया है, अगर अभी भी किसी को डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर डाउट आपको हो तो। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझेंगे पहले। अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो क्या बोला गया है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब कभी भी ओवरलैप नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर नहीं आते। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है, पट्टियों की प्रत्येक जो बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली कुछ आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के साथ देखने को मिल सकते हैं वर्ड्स, लेकिन उन पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, समझ में आना चाहिए बच्चों, मेन मोटिव हमारा यही है कि क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में आ जाए कि आपको सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए
मैं एक डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए दो ब्लेड हैं, ठीक है। वाइपर सबने देखे होंगे, ये गाड़ी का कांच है मान लीजिए, और यहाँ पे क्या है, वाइपर ब्लेड्स हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, क्लियर है। ये क्या करते हैं, ये गाड़ी का शीशा साफ करते हैं। तो ये क्षेत्रफल है जो ये साफ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पे मैं बना नहीं पाया हूँ ड्राइंग, लेकिन आपको समझाने के लिए काफी, फिर से ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। तो ये वाइपर ब्लेड्स हैं, तो इनकी जो लंबाई है कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, और जो ये कोण बना रहे हैं ये 115 डिग्री का बना रहे। तो आपको वो क्षेत्रफल बताना है जो इसने साफ किया है इन्होंने। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि भाई अगर हम, ये क्या बनता है, ये एक सेक्टर बन जाता है, अगर इसको पूरा सर्कल मान लें, ठीक है, सर्कल का ये एक हिस्सा है, अगर ये पूरा सर्कल हम ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, तो ये पूरा सर्कल होता तो ये इस सर्कल का एक सेक्टर होता, है कि नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक सेक्टर है और ये भी बिल्कुल सेम चीज है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी है कि सेक्टर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम। भाई सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना सबको आता है ना, सेक्टर यानी त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। अब दोनों की ब्लेड की लंबाई सेम है, दोनों का थीटा सेम है, तो एक का क्षेत्रफल निकाल के अगर उसको दो से गुणा कर देंगे तो टोटल आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन करके एक बार जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये दो सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, आपको निकालना पड़ेगा सेक्टर, है ना, सेक्टर का एरिया। तो आपसे पूछा क्या गया है, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, है ना। तो एरिया क्लीन is the area of sector at 150 degree, 15 degree, ठीक है। और यहाँ पे जो रेडियस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो आप क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। वो आपको पता है थीटा बाय 360, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये होना चाहिए। तो हमें पता है बच्चों थीटा है यहाँ पे 115 डिग्री, ये है 360 डिग्री, इंटू 22 बटे 7 और आर कितना है, 25, 25 का स्क्वायर आप कर लें, इसको कैंसिल आउट करिए और आंसर आपका आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन, कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। ये कितना था, 115 डिग्री बाय 360 इंटू 22 बटे 7 इंटू 25 का स्क्वायर। अब कैंसिल आउट करिए, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, एक हासिल, 5 से 15 23 आ गया। इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से 35 और 5 गुणी 10, ये आ गया 23 बटे 72।
चलिए इसको लिख लेंगे हम 23 बटे 72 इंटू 22 बटे 7। एक काम करते हैं, इसको भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं, 72 को 2 से 36 आ गया और ये 11 आ गया, है ना। तो यहां पे हम प्रॉपर कैंसिल आउट करके ही लिखते हैं, ये 36 हो गया, ये 11 बटे 7 हो गया। और 25 का वर्ग कितना होता है ये तो आपको वैसे याद होना चाहिए, कितना है 625। अगर नहीं भी याद हो तो हमें ट्रिक मालूम है बच्चों, जैसे 25 है, 25 का वर्ग करना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए एंड में 5 है ना, दो डिजिट का नंबर है, तो पहले तो 5 का वर्ग हम करके लिख देंगे, कितना आएगा 25 आएगा। और फिर जो ये नंबर है इसमें एक जोड़ के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6, 625 आ जाएगा। कोई भी दो डिजिट का नंबर हो वो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जैसे 65 है, 65 है, इसका वर्ग करना है तो पहले 5 का स्क्वायर 25 एज इट इज लिख देंगे, फिर 6 एक जोड़ देंगे और 7 × 6 = 42, ये इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, दो डिजिट्स के सारे आप जिसके लास्ट में 5 है उनके स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हैं इस टेक्निक की मदद से। वैसे 25 30 तक तो आपको वर्ग याद होने चाहिए बच्चों। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 23 गुना 11 कितना होता है, 23 × 23 दो हासिल, 23 × 23 और 2 = 25, 253/37, 36 × 7 करना 7 × 6 = 42, 4 हासिल, 7 × 21 और 4 = 25, 252 × 625 एज इट इज, क्लियर है। अब 253 × 625 कर देंगे, 253 × 625 और आप मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देंगे 158/125/252। देखिए मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं ना इजीली, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपके लिए आंसर लिख दिया है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर, किसमें आएगा ये बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसमें है आपका रेडियस, रेडियस किसमें है, देखिए लेंथ ऑफ वाई पर सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें निकालना है टोटल एरिया वेप्ट बाय द ब्लेड्स, मतलब टोटल एरिया जो ब्लेड द्वारा साफ किया गया कितना है। ये तो हमने एक ही सेक्टर का निकाला था, दैट मींस फिर से हम फिगर पे चलते हैं, तो मान लीजिए इसका तो एरिया निकाला है हमने, तो ये भी सेम होगा, मतलब डबल कर देंगे, है ना, जो सेक्टर का एरिया है उसको डबल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 × 158/125/252, कैंसिल आउट कीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, ये आ गया 158/125/126 cm², ये टोटल क्षेत्रफल आ गया जो ब्लेड ने स्वाइप किया है, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों सबने ये कर लिया है, अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा, बिल्कुल सरल सा सवाल होगा, स्टार्टिंग में हमने किए होंगे, देखते हैं कौन बच्चा करता है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद एंगल 30° एंड रेडियस 4 cm। तो आपको क्या करना है, एक वृत्त का त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल निकालना है जिसका एंगल 30° है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 cm।
तो ये ऐसा कोई सर्कल है जिसका एक सेक्टर है, ठीक है, जो 30 डिग्री का कोण बनाता है और जो इसकी त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए सॉल्व करके। तो बच्चों यहां पे कैसे करेंगे आप, देखिए हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या होता है थीटा बाय 360 बाय आर स्क्वायर, यही होता है। तो थीटा है 30 डिग्री, 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 4, तो 4 का वर्ग हम यहां पे कर देंगे। इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। ठीक है बच्चों, आगे इसको हल करते हैं, 22 इंटू 4 चौक 16 हो गया, बटे 12 इंटू 7 यहाँ पे आपका आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे कितना आ जाएगा, ये 4 चौक 16 और 4 ये 12, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 4 88, 22 चौक 88 बटे 7 ये 21, क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल में कर सकते हैं आप, तो आप अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसको फाइनली आप कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो 21 चौक 84 आ जाएगा और 4 सही 21 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते रहिए, ट्राई करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। इसी के साथ आज का सेशन बच्चों यहाँ पे एंड करेंगे हम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।